हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गैस गीजर्स के बारे में जो कि एलपीजी से चलते हैं। दोस्तों, एलपीजी से चलने वाले गैस गीजर्स में कैपेसिटीज लिखे होते हैं, आप सबने देखा होगा 6 लीटर, 6.5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर। तो ये कभी आपने सोचा है कि ये लीटर्स क्या दर्शाते हैं? बेसिकली इनके अंदर कोई स्टोरेज टैंक तो होता नहीं है जैसे इलेक्ट्रिक गीजर्स में होता है, और इसका जो ऑपरेशंस है वो तभी चलते हैं जब आप नल खोलते हो। जैसे ही आपने टैप ओपन करा तभी फ्लेम चलती है, तभी हीटिंग का काम शुरू होता है, और जैसे ही आपने नल बंद कर दिया तो गीजर भी बंद हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आपने पानी यूज नहीं कर रहे और उसमें गर्म हो जा रहा है पानी। तो ये लीटर्स का मतलब क्या है बेसिकली? तो इसी चीज को समझाने के लिए मैं ये वीडियो एक छोटा सा बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि ये लीटर्स क्या होते हैं और हमें कौन सी कैपेसिटी का गीजर लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक गीजर्स की मैं बात करूँ तो वो 1 लीटर या 3 लीटर, 6 लीटर ऐसे अवेलेबल होते हैं। तो उनके अंदर एक वाटर टैंक होता है जिसमें पानी गर्म होता है, और उसकी वो कैपेसिटी होती है कि कितना पानी उसमें गर्म हो रहा है एक बार में। ऐसे ही स्टोरेज टाइप के जो गीजर होते हैं उनमें भी 10 लीटर 15 25 35 50 इस तरह से कैपेसिटी होती है उसके इनर टैंक की। और अगर मैं सोलर गीजर्स की बात करूं तो उसमें भी 100 लीटर 200 लीटर 300 500 लीटर तक की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं गैस गीजर्स की तो इनके अंदर भी एक कैपेसिटी होती है जिसको भी लीटर्स में नापा जाता है, लेकिन उसमें स्टोरेज नहीं होती है। दोस्तों, उसको कहा जाता है लीटर पर मिनट। उसका मतलब ये होता है कि आप जो पानी यूज कर रहे हैं वो कितने लीटर आपको पानी मिलेगा एक मिनट में। अगर किसी गीजर के ऊपर 6 लीटर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपको एक मिनट में 6 लीटर पानी गर्म करके वो देगा, उसकी इतनी कैपेसिटी है। और इसी हिसाब से अगर 7 लीटर लिखा है तो आपको एक मिनट में वो 7 लीटर पानी आउटपुट करेगा। इसी तरह से 10 लीटर और 12 लीटर। तो आप अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी कैपेसिटी का लेना है गीजर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी का लोगे तो आपको उसके लिए गैस भी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और उसके अंदर जो पाइप्स होंगे जिनके अंदर से पानी होकर गुजरता है वो पाइप मोटे लगाए गए होंगे। और आप सब जानते हो, अगर मोटे पाइप होंगे पानी ज़्यादा गुजरेगा तो हीट भी ज्यादा चाहिए उसको गर्म करने के लिए, और हीट आ रही है गैस से, तो गैस का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा अगर आप कैपेसिटी ज्यादा करते हो। सीधी सी बात है, ज्यादा गर्म पानी ज्यादा पावर कंजम्पशन या फिर ज्यादा गैस का कंजम्पशन। तो इसीलिए मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई गैस गीजर ढूंढ रहे हैं तो कैपेसिटी उसकी 6 से 7 लीटर के बिटवीन ही रखें, क्योंकि वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और इतना सफिशियंट होता है। अगर आपको ज़्यादा गर्म पानी चाहिए तो आप टैप को थोड़ा सा कम खोल के पानी को ज़्यादा गर्म ले सकते हैं, और उसके अंदर कुछ नॉब्स भी होती हैं, कुछ सेटिंग्स करके भी आप गैस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पानी का फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत सारी उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं। आप उनसे भी ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं बजाय कि ज़्यादा कैपेसिटी वाले गीजर लेने से। दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट था, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस पूरे YouTube पर ही आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।